एमयूपीएस अकोलोनिस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र के अकोला जिला में हरण की संख्या बढ़ने से किसानों को हो रही है दुश्वारियां। अकोला जिला के कुछ ग्रामीण और आसपास के तालुका में हरण के झुंड देखने को मिल रहे हैं, जो किसानों के खेतों में चरते दिखाई दे रहे। खेतों में हरण के झुंड किसानों की सारी फसलें खा रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इससे सभी किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि प्रशासन इस बारे में कोई ठोस कदम उठाए, जिससे किसानों को राहत मिले, क्योंकि हरण एक सरकारी पशु है, इसलिए फसलों को बचाने के लिए हरण को मार ठोक कर भगाया नहीं जा सकता। हरण की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कुछ हरण शहर की और कुछ एरियों में घुस रहे। ऐसे ही एक हरण अकोला शहर के मरगट नामी एरिए में घुस आया, जिसे देखने सारा मोहल्ला एक हो गया। जब इसकी खबर वन विभाग को दी गई तो उस हरण को वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने पकड़कर ले गए। इसलिए बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिक और किसानों का कहना है कि प्रशासन इस बारे में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए। कैमरामैन सईद खान के साथ राजा अमृतकर की रिपोर्ट। मैं गायगांव से बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारी खेती है, यहाँ पर बड़े पैमाने में हरना का बहुत बड़ा झुंड है। कम से कम नहीं कुछ भी 2-1 हज़ार हरना है। हमको इतना परेशान करके रखे इन्होंने, क्या पूरी खेती की फसल खा ले रहे, पूरी फसल बर्बाद हो जा रही। हमारे प्रशासन से निवेदन है क्या कम से कम इनके ऊपर ध्यान दे। वन विभाग वाले कुछ इनको देखते नहीं आके यहाँ पर में क्या हो रहा क्या नहीं, पूरे फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रशासन से गुजारिश है कि वो इसकी ओर ध्यान दे और ये कुछ एक्शन ले। ये 7-8 एकर सोयाबीन पेरेला है, पूर्व 60-70 च्या झुंडा इकडे येतात, तिकून आम्ही रात्री बेरात्री जगून, तरी यांची प्रशासनानं याच्यावर, वन विभागानं याच्यावर थोडं लक्ष घालावं आणि या झुंडा ज्या येतात त्याच्यावर थोडंसं लक्ष घालून आमच्या थोडी पिकायची रक्षक करावं। देखिए MUPS अकोला न्यूज, हर खबर आपके सामने।